Good morning and welcome to my channel, guys. Sorry, it's not a morning time, it's afternoon. So good afternoon and welcome to my channel, guys. I hope you are doing good. काशी में इलेक्शंस आ चुके हैं, इनफैक्ट बहुत पास आ चुके हैं और 23 को रिजल्ट भी है. सो लेट्स जंप ऑन टू द स्ट्रीट्स ऑफ काशी एंड आस्क पीपल व्हाट डू दे थिंक दैट हु इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 5 ईयर्स. बिना देर किए चलते हैं. वैसे ये कल रात से पहना हुआ है ना, तो इसको चेंज कर लिया जाए. तैयार हुआ जाए. मम्मी यार जूता कहाँ है? मम्मी अरे यार मम्मी ठीक है मिल गया. तो गाइस इट्स 4:30 राइट नाउ. थोड़ा देर में शाम हो जाएगी, बट अभी टाइम है, 7 बजे होगी यार. कोई इतनी दिक्कत नहीं है, अंधेरा बाद में होगा, बट अभी थोड़ी थोड़ी धूप है तो उसके लिए थोड़ी तैयारी कर लेते हैं. हाँ ना, थोड़ा फनी लग रहा होगा, थोड़ा यूनिक है. ओके, और मैं यूनिक चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पहनने की कोशिश करता हूँ. सो वॉट जस्ट आई वॉन्ट टेल यू दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेन रोड आई विल प्रेफर टेकिंग ए गली, बिकॉज गली से बहुत जल्दी निकल जाएंगे. सो गली से चलते हैं, लेट्स गो. सो राइट नाउ अभी मैं गलियों से निकल के बहुत जल्दी आ चुका हूँ तुलसी घाट पे. आने में बहुत कम टाइम लगा, अराउंड 5 मिनट्स टू 8 मिनट्स, बस इतना ही टाइम लगा. और कैप वैप उतारने से बाल थोड़े ख़राब हो गए, बट चलो भाई तुम पे लड़के नहीं मरेंगे, समझे, सिंगल ही मरेगा. अच्छा ये कुछ नहीं, मेरा मन मुझसे बात करता रहता है. यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं, स्टेयर स्टेप्स बहुत लेने पड़ेंगे यहाँ पे. फाइनली हम उतने ऊँचे से अभी तक यहाँ इतना नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे सब लोग इतना इन्जॉय कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा यहाँ वेदर है. अबे लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं, आप देखना चाहोगे? मैं दिखाता हूँ सीधे. ये क्या हो रहा है भाई? अरे यहाँ पे लोग एकदम टेंशन फ्री रहते हैं भाई, कोई चीज़ की यहाँ पे किसी को टेंशन नहीं रहती, सब अपने दुनिया में एकदम मस्त रहते हैं. सो यहाँ पे पहले अब हम लोग जा रहे हैं अभी 80 घाट, विच इज़ द हैंगिंग आउट प्लेस इन काशी. मैं जब मैं निकला था उस समय बहुत धूप थी, बट अभी भी अभी इस साइड पे यहाँ पे तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, छाँव है. और धीरे धीरे शाम हो रही, वेदर कूल हो ही जाएगा कुछ भी हो करके. मैं अभी तुलसी घाट से 80 घाट साइड आ चुका हूँ. अब जंप करते हैं वीडियो के टॉपिक पे. ओके, देखते हैं कि यहाँ के लोग भाई मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर जो इलेक्शन आ रहे हैं किसको वोट देने का है, क्या है कुछ है. भैया आप जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि आप किसको वोट देना चाहते हैं? एब्सोल्युटली भाजपा को वोट करना चाहूँगा. आप? सेम टू यू, भाजपा को. सेम टू यू, भाजपा को. भाजपा को. तो मतलब ऐसा क्या आपने भाजपा में देखा जो आपको इतना, मतलब भाजपा में आपको वोट करना है भाजपा को? भाजपा मेरे हिसाब से भाजपा राष्ट्र हित में ज़्यादा काम कर रही है यूपीए सरकार की अपेक्षा, क्योंकि देख सकते हैं आप वाराणसी साफ है अब और पूरा देश साफ है. पूरा देश आतंकवादी से भी साफ है और देख ही रहे हैं चोर लुच्चों से भी साफ है. वाराणसी का विकास भी देख सकते हो आप. आप क्या सोचते हैं? नहीं ठीक है, देखिए प्रधान ये बनारस के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बनारस के लिए वो भी प्रधानमंत्री अगर पद का दावेदार है तो बनारस में बहुत कम समय में वास्तव में जान लीजिए काफ़ी परिवर्तन हुआ है. हम लोग यहाँ आते थे धूल वगैरह मतलब मैक्सिमम रहती थी और ये प्रधानमंत्री जी के ही अथक प्रयत्नों के कारण हुआ है. आप भैया बीजेपी के पूरे सपोर्टर लग रहे हैं अच्छे से. हाँ भैया, उन्हीं को वोट देना है इस बार. हाँ उन्हीं को देना है. ऐसा क्यों? मतलब वो इतना की ना भैया बीजेपी वाले कि इतना महिला पूरा पूरा रास्ता है जी, पूरा घाट नहीं उन्हीं के चलते हुआ है. अच्छा हुआ है. आप तो अच्छे खासे सपोर्टर लग रहे हो बीजेपी के. मतलब भैया को देख रहे हैं, भैया की मतलब ऐसी स्थिति तब भी ये वर्क कर रहे हैं. और कुछ लोग होते हैं दिखने हर चीज़ सही होने के बाद भी भीख मांगते हैं. वेरी प्राउड ऑफ यू भैया.
बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे अक्सर ही ऐसा होता है, काशी के लोगों के लिए तो नॉर्मल है लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए सीरियसली बहुत ही हटके चीज़ है ये। यहाँ पे 80 घाट पे अक्सर यहाँ पे प्रोग्राम होता रहता है, रोज़ ही होता है लगभग, सुबह सुबह वहाँ पे योगा एंड एक्सरसाइज का एक प्रोग्राम, शाम को ऐसे कभी कभी हो जाता है। और यहाँ इसलिए कि प्रोग्राम हो रहा है बिकॉज ताकि लोग अपने घर से निकले वोट करें, इसलिए इन्होंने पूरा प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज कर दिया। देख रहे हैं यार जनरेशन कितनी बढ़ रही है भाई, बहुत तक खुशी हो रही ना यार ये ब्लॉग बनाते हुए, मजा आ गया। कौन सा तीर मार दिया यार बंसी, वोट डाल दिया तो कौन सा तीर मार दिया यार, छोटा सा स्किट इन्होंने प्रिपेयर किया है। अरे उससे क्या होता है भैया, अरे क्या फायदा है भाई वोट डाल के। बहुत बुद्धिजीवी लोग, इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं वोट डालने नहीं जाते, उनके नजर में ये बकवास है, लाइन में खड़ा होना, धूप में खड़ा होना, ये सब फालतू चीजें हैं भैया। मजबूत लोकतंत्र के लिए वोटिंग जरूरी है। और काफी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया वोट देने के लिए, मोटिवेट किया लोगों को कि निकलिए घर से, धूप लगती है, लीव ऑल दैट, निकलो वोट दो भाई, बहुत अच्छा लगा। सच एन अमेजिंग एफर्ट बाय सम पीपल टू परफॉर्म देयर नुक्कड़ नाटक ओवर देयर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो आप लोग क्या किसी को वोट वोट दे रहे हैं कि नहीं? देंगे, एकदम देंगे। किसको? अभी तो अपने एरिया के सांसद बहुत अच्छा काम किए हमारे बीजेपी वाले हैं, हम तो उन्हीं को देंगे। बीजेपी मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे मोदी लहर है यार एकदम, मतलब जिससे पूछ लो सब मोदी मोदी मोदी, मतलब ऐसा मोदी जी ने पूरा जादू कर दिया। अच्छा, और कांग्रेस राहुल गांधी जी? देखिए राहुल गांधी जी व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन वो नेता प्रधानमंत्री के लायक तो बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा उनका स्टेटमेंट सुनने से और उनका पॉलिटिकल समझ से हमको लगता है कि वो पीएम बनने लायक तो नहीं है, और मोदी जी के कंपेयर में तो बिल्कुल नहीं है। पप्पू अभी बच्चा है, चाइना का खिलौना खेले। पप्पू अभी बच्चा है, ये सीखना पड़ेगा उसको। जो आंख मारता हो प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या करेगा, क्या कर देगा बोली? यो पप्पू लड़कियों को आंख मारता है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेगा, अब सोचते रहिए आप लोग। अरे भाई पप्पू बच्चा है, बच्चा है। मोदी के कार्यक्रम ईमानदारी और बढ़िया, कोई और प्रधानमंत्री आज तक प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा, तो इसलिए मोदी को आना चाहिए। मोदी की सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं 5% जो कर दिए आज तक न किसी ने किया न भी करेगा। इस बार मतलब मोदी जी जीतने वाले हैं, मोदी मोदी की जीत सुनिश्चित है। जैसा कि मैंने अभी इंटरव्यू लिया और सब देखने को मिला कि सब लोग मतलब बीजेपी वाले, अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ एक भी कि कोई मुझे अपोजिट पार्टी का मिल जाए, मतलब अभी तक मुझे कोई नहीं मिला ऐसा कि कोई अपोजिट पार्टी वाले जिनसे मैंने अभी इंटरव्यू लिया, सब के सब बीजेपी 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 है। भौकाल यार मोदी जी का, यू नो, और होना भी चाहिए, बहुत यहाँ पे इन्होंने काम किया है, पूरा घाट्स बदल दिए, रोड्स बदल दी। और आप काशी आओ देखो यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, पहले से 5 साल में बहुत चेंज हो गया है काशी, और मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपको कुछ स्पेशल लोगों से भी तुरंत मिलाता हूँ, मुझे मिल गए भैया, आपका नाम क्या है? जी अजय रोशन। अजय रोशन भैया, नाइस टू मीट यू, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आप सब ने, सीरियसली बहुत अमेजिंग प्रोग्राम था, और ये लोगों की जागरूकता बढ़ाई वोट को लेके, बहुत मजा आया, इतना अच्छा आपने एक्टिंग, और दीदी आपने सीरियसली बहुत अच्छी एक्टिंग की सब ने, और वो लंगड़े भैया ये भैया ने भी बहुत अच्छा एक्ट किया, मजा आ गया भैया आप लोग से मिलके, आप लोग ने बहुत अच्छा किया। और भाई इन लोग ने जो काम किया ना उसके लिए बहुत गूदा चाहिए रहता है, बहुत जिगरा चाहिए रहता है, बीच में सबके खड़े होकर परफॉर्म करना ना, ये हम आर्टिस्ट लोग ही समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझेगा कैसे ये। हम भी आपकी टीम का एक हिस्सा हो गए, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। सो आप देख सकते हो कि जैसा अभी शाम हो चुकी है, बहुत थक भी गए हैं, प्यास लग रही बहुत तेज, और मेरे अंदर ये एक चीज़ है कि मैं कभी पानी खरीद के नहीं पीता, पता है क्यों? बस नहीं पीता, अंदर से ऐसा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लेमन टी यहाँ की बहुत फेमस है, 80 पे यहाँ पे लेमन टी बहुत अच्छी मिलती है। और यार अगर आप मेरा वाराणसी स्ट्रीट फूड वाला व्लॉग नहीं देखे हो तो आपको वीडियो के लास्ट में वो दिख जाएगा, जाके देखो। तो अभी लेमन टी पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ लेमन टी यहाँ की बहुत फेमस है, आओ यहाँ पे 80 पे तो ज़रूर पीना। आप
लोग भी मतलब मोदी को वोट कर रही है। अच्छा, और ये हमारे जो राहुल गांधी हैं उनको क्यों नहीं वोट किया जा रहा है, या फिर कोई और पार्टी है कोई भी? नहीं, मेरे को कोई पार्टी अच्छी नहीं लग रही है, सब सब एक खाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, सिर्फ मोदी। अब पता है आपको, मैं यहाँ पे सच्ची में ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे एक अलग पार्टी वाला मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है। मैंने भी बहुत से ढूंढा, मोदी सब मोदी। सो अब घर चलने का टाइम आ गया है, थक भी गए हैं, बहुत प्यास लग रही है, मैं यहाँ पे कहीं पानी मिल भी नहीं रहा तो खरीद के पीना पड़ेगा। वैसे मैं खरीद के कभी पानी पीता नहीं हूँ, तो मैं घर पे पहुँच के ही पीऊँगा। पता है कैसे जाऊँगा? गली से, बिल्कुल सही, गली से निकलते हैं। और गर्मी आप देखिएगा कितनी हो रही हो, तो अब चलते हैं घर। गुड बाय, होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट कर देना यार, ओके, गुड बाय। प्रताप साहब भी है और नाम भी है, इसके कारण बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। खराब हो जाता है वो फ्रेम, खराब हो जाता है ना, आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए ऐसे।